आपके भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट आपके सामने खड़ा है, यानी उसको बिल पेमेंट करना है, लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप कोई ऐसा जुगाड़ सोच रहे हैं कि आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाए। आपके पास में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड तो है लेकिन आपको ट्रिक नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप एक क्रेडिट कार्ड की हेल्प से दूसरी क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कीजिए, जितनी भी नए ऑफर या अपडेट आते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम वहीं पर पोस्ट कर देते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बैक टू द टॉपिक कि आप अपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे कर सकते हैं। तो रिसेंट मैंने एक वीडियो भी पब्लिश किया है जिसमें मैंने ये प्रोसेस लाइव करके दिखाया है, यानी अपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके दिखाया है। बट उस ट्रिक को यूज करते टाइम में कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ट्रिक वर्किंग नहीं है, वर्किंग है, बट यहां पर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो उसमें मैं या आप क्या कर सकते हैं वो तो एप्लीकेशन का ही दिक्कत है। वो जैसे ही सही होगा फिर से आप उस ट्रिक के जरिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट को दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे कि अभी ही मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूं जो कि इजी माई डील एप्लीकेशन है, और ओपन करने के बाद यहां पर मैं क्रेडिट कार्ड बिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, देन सेम मैं क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करूंगा जिसका मैंने बिल पे किया हुआ है, या फिर आप चूज ऑपरेटर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जिसका आप बिल पे करना चाहते हो, जो ये लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो अभी मैं उसी क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं, और अभी आप देख सकते हो यहां पर मेंशन है सर्विस डाउन टाइम, मेंटेनेंस एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड, प्लीज ट्राई आफ्टर सेम टाइम, यानी अभी जो इस एप्लीकेशन में सर्विस का काम चल रहा है तो इसीलिए आप कुछ टाइम बाद में ट्राई कीजिए। तो ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप अभी वेट कर सकते हैं, जब ये सर्विस सही हो जाएगा उसके बाद में आप यहां से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हमें उतना वेट नहीं करना है, आज ही हमें पेमेंट करना है, तो हम कौन से ट्रिक के जरिए अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए हम यहाँ से मिनिमाइज हो जाते हैं, इस एप्लीकेशन को हटा देते हैं, और आपको मैं एक और एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बहुत ही कम चार्जेस में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। कपल एप्लीकेशन भी वर्किंग है बट वहां पर जो है चार्जेस थोड़े से हाई ले रहा है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस एप्लीकेशन का यूज करिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है सनापे। सनापे एप्लीकेशन रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो आपको बनाकर दिए हुए हैं, कैसे अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, कैसे केवाईसी करना है, सब कुछ मैंने आपको में बताया हुआ है। तो अगर आप मेरे रेगुलर यूजर हैं तो आपने उस वीडियो को जरूर से देखा होगा, बट आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर वगैरह और कुछ बेसिक से डिटेल्स देकर आप इस एप्लीकेशन में अपना साइन अप कंप्लीट कर लीजिएगा। केवाईसी मस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि केवाईसी होने के बाद ही आप यहां पर इस एप्लीकेशन को फुली यूज कर पाते हैं। तो एप्लीकेशन का जो मेन इंटरफेस है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो उसके लिए देखिए होम पेज पर ही क्रेडिट कार्ड बिल्स नाम से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इस पर जस्ट आप टैप करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है, यानी आपका नेम एंटर करना है, कार्ड नंबर एंटर करना है और कंफर्म कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में सिलेक्ट बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी किस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यहां पर एंटर कर रहे हैं, एंड आईएफएससी कोड जो है ऑटोमेटिक से ये फैच कर लेगा, देन सेव वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो आपका जो डिटेल है यहां पर सेव हो जाए, जैसे कि मेरे यहां पर कार्ड जो है एडिट हो चुका है सक्सेसफुली, मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब मुझे इस कार्ड का बिल पे कर, तो जस्ट यहां पर आपको एक पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं यहां पर आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो पे नाउ का ऑप्शन बना हुआ है, तो इसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जितना अमाउंट आप पे करना चाहते हो वो आपने यहां पर एंटर कर लेना है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पर 100 टाइप कर देता हूं और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आप बिल पे कीजिएगा मिनिमम 2 दिन पहले कीजिएगा, ताकि आपका जो सेटलमेंट है आसानी से हो जाए और आपको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का। तो डेबिट कार्ड से तो हमने करना है, नेट बैंकिंग से भी हमने करना नहीं है, हमने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है। तो यहां पर तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिल रहा है, तो देखो बस यूपीआई का ऑप्शन है और इसी के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आप अपने रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर पाएंगे। और चार्जेस की बात करें तो 1.50% का है, तो आपके पास में रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड है तो आप इसका फायदा जरूर से लीजिए और अपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कीजिए सबसे कम चार्जेस में। तो यहां पर हम टैप करेंगे और ओके वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। और अभी तक आपने अपना रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो क्या कर रहे हो दोस्त, अभी आप बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे हो, तो इसीलिए आप भी जो है अपना एक रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। तो जिस बैंक के रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड अभी इंस्टेंट अप्रूव हो रहे हैं उनके अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा और एक अपने लिए रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड भी बनवा लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है। तो हम आ चुके हैं यहां पर नेक्स्ट पेज के ऊपर, और यहां पर अब आपको यूपीआई एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इस पर जस्ट आपने टैप कर देना है। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है क्रेडिट एप्लीकेशन में,
तो आप क्रेडिट एप्लीकेशन के थ्रू अगर पेमेंट करते हो तो आपको अप टू 200 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर भी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, पे बाय एनी यूपीआई अप टू 200 कैशबैक ऑन क्रेडिट यूपीआई, अगर क्रेडिट यूपीआई से आप करते हैं तो चलिए हम क्रेडिट यूपीआई से ही करने वाले हैं। तो इसी को मैं टैप करूंगा और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मोबीक्विक, नावी, पेटीएम, टाइम, जियो फाइनेंस और क्रेड। तो हमने क्रेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है क्रेड एप्लीकेशन पर। यहाँ पर भी ये ऑफर शो कर रहा है कि मुझे अप टू 200 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। तो ये तो अलग बात होगी, मिले चाहे ना मिले, हमें तो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने से मतलब है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है रुपए नेटवर्क वाला, वो सिलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर हाईलाइट भी करके आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो जो रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड है वो सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अपना UPI पिन एंटर करके पेमेंट को कंफर्म कर देता हूँ। तो कई बार जब आप पेमेंट करोगे तो उस टाइम आपका पेमेंट फेल्ड भी हो सकता है, ये इस एप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, बट आप 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा फेल्ड हो गया, लेकिन जैसे ही 10 मिनट बाद में मैंने दूसरा अटेम्प्ट किया तो यहाँ पर जो है सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। और इसके लिए मुझे क्रेडिट एप्लीकेशन में रिवॉर्ड भी मिला है, तो क्रेडिट एप्लीकेशन को भी ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसको जैसे ही मैंने स्लाइड डाउन किया तो मुझे 10 रुपए का जो कैशबैक है वो मिल चुका है। तो आप भी इस ट्रिक के जरिए अपने क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो सनापे का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे दिए गए लिंक के थ्रू आप सनापे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको 50 रुपए का एज अ कैशबैक भी मिल जाएगा सनापे वॉलेट में, जिस पैसे को आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियो में कवर किया हुआ, तो आप हमारे प्रीवियस वाली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।